इंडियन मूवी इंडस्ट्री के लिए ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी फिल्म है। अगर ये सुनने के बाद तुमको ये लगता है कि मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ तो नहीं, मैं सच में इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें साउथ इंडस्ट्री भी आती है। सोचो, SS राजामौली जैसे डायरेक्टर ने भी इस फिल्म की तारीफ कर दी। Fox Studios इसको प्रमोट कर रहा है और बड़े लेवल पर कर रहा है, लेकिन असल में ब्रह्मास्त्र से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? एज अ सब्जेक्ट देखा जाए तो ये उसी थीम के साथ आती है जिसमें हमने पहले भी कई फिल्में देख रखी है। सुपरनेचुरल मूवी की सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करती है जो एक बड़ी कहानी पर फोकस करती हो। MCU इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है कि एंड गेम की कहानी को कहने के लिए उन्होंने 10 साल की तैयारी कर रखी थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र के केस में वो तैयारी कितनी होगी? आयान मुखर्जी जिस तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसकी कहानी और इंस्पिरेशन को समझा रहे हैं, वो बताता है कि फिल्म अपने साथ एक हिस्ट्री लेकर आती है। यानी ये फिल्म कहानी को सेटअप नहीं करती, बल्कि ऑलरेडी एक हो चुके इवेंट को अपना सेंटर पॉइंट रखकर आगे का भविष्य तय करती है, जिसका एक ही फोकस है ब्रह्मास्त्र को बचाना। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे सुपर हीरोज ने मिलकर इन्फिनिटी स्टोन्स को बचाया था। मालूम है कि ये सही कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र में ऐसी ही कुछ थीम के साथ इंडिविजुअल स्टोरी को रखा गया है शिवा के नाम से, जहां ऐसा दिखाने की कोशिश है कि भगवान शिव के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। आप नंदी महाराज और नागराज के वेरिएंट्स इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म बहुत रिच लगती है, मगर कहानी क्या अपने लक्ष्य को पा पाएगी? अब तक हमने इसको लेकर जितना भी कंटेंट देखा है उसमें तीन बातें साफ होती है कि ये फिल्म अपने ट्रिलॉजी के सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स इसी फिल्म में इंट्रोड्यूस करने वाली है। यानी स्टेक्स पर बहुत कुछ है, मगर क्या इस फिल्म का विलेन अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर पाएगा? ऐसी कहानियों में विलेन का पावर हीरो के पावर से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमको अंडरडॉग्स पसंद है। सुपरमैन किसी को भी एक झटके में उड़ा सकता है, लेकिन लेक्स लूथर और जॉर्ड जैसे कैरेक्टर्स उसकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, इसीलिए वो कैरेक्टर इतना रेलेवेंट बना हुआ है। तो ऐसे में रणबीर को वो विलेन मिलेगा क्या? दूसरा ये कि क्या ये जनरल ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी? देखो, जहाँ बात रिलीजन की आती है ना, मामला सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में रियल गॉड्स के अवतार्स की तरह कैरेक्टर्स क्या अपने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की ईमानदारी को रख पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिएटिव लिबर्टी कितनी होगी? और आखिरी चीज जो इस फिल्म को और ज्यादा जरूरी बना देती है वो है इसका स्टेक। लास्ट कुछ महीने में बड़े से बड़े स्टार्स की इंडिविजुअल सोलो मूवीज बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। अक्षय कुमार ने तो OTT पर आना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब एक ही फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर, आलिया, मौनी, शाहरुख, नागार्जुना जैसे कैरेक्टर्स हों, तब समझ में आता है कि इसके स्टेक्स कितने हाई हैं। ये वो फिल्म है जो फेल होना छोड़ो एवरेज रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि पैसा बहुत लगा है। उसकी रिकवरी और मार्केटिंग का पैसा जोड़ दे तो प्रोड्यूसर्स की लगी पड़ी है। ऐसे में ब्रह्मास्त्र का परफॉर्मेंस बॉलीवुड पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। ये वो फॉर्मूला हुआ जो हिट हो गया तो सारे ही इस लाइन पर चल पड़ेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर से वही प्यार मोहब्बत वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। जो भी हो, लेकिन मीडियोक्रिटी सच में सेलिब्रेट नहीं की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स खुला है, बता सकते हो, और उन्हीं उंगलियों से हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इसको शेयर कर दोगे तो भाई क्या ही कहने, और लाइक कर दिया भाई तो मजा ही आ जाएगा। आप ट्विटर और इंस्टा पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। दिस इज बज पायलट साइनिंग आउट।